स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में तो आज से हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होने वाला है मतलब कि एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुका है आप लोग भी लग जाइए एग्जाम की तैयारी में ठीक है तो देखिए हम लोग का चैप्टर क्या है चैप्टर हमारा पूरा चौदह है ठीक है मतलब कि आप का पूरा फोर्टीन चैप्टर है तो आप लोग को हम यूनिट बांटे हुए हैं ठीक है तो यूनिट वन में हमारा क्या आता है चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर एट तक चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर एट को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट नंबर वन बोलते हैं ठीक है तो हम लोग यूनिट वाइज यूनिट एमसीक्यू और हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे टेंशन नहीं लेना है थीके? तो आप लोगों को क्या करना है सारे दोस्तों को शेयर कर देना है क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो पढ़ लीजिए ठीक है अब आप एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है ठीक है आप लोग भी थोड़ा एग्जाम में लग जाइए भाई ठीक है तो देखिए आप लोगों मॉडल सेट क्या है मॉडल सेट है ठीक है तो अगर आप लोग अभी तक लो वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को ठीक है क्योंकि अब आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी होता है भाई तो क्या कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को ठीक है तो देखिए हम लोग मॉडल सेट वन देख रहे थे मॉडल सेट वन में हम लोग को टोटल क्या है थर्टी फाइव क्वेश्चन है ठीक है थर्टी फाइव क्वेश्चन को हम लोग वन बाई वन और सबसे आसान भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे ठीक तो है with, तो देखिए आप लोगों फर्स्ट नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है है पहला कि इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड इंडविथ तो सी प्लस प्लस का हर स्टेटमेंट मतलब कि हर लाइन के अंत में हम लोग किसका यूज करते हैं सेमीकोरन का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं सेमीकोरन देखिए हम टिक लगा करके बैठक है अगर आप लोग टिक लगा हुआ है आप लोग को और आसान हो गया है ठीक है

क्या होता है हाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है इनहेरिटेंस होता है नेम स्पेस होता है बट यहाँ पे रिलेशन नहीं होता है क्लियर अगला देखिए फोर नंबर क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप्स ऑफ क्या कंस्ट्रक्टर तो इनमें से कौन कंस्ट्रक्टर का टाइप्स नहीं है देखिए यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ये तो मालूम है आप लोग को मेट्राइज कंस्ट्रक्टर होता है और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है बट यहाँ पे फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कहीं नहीं सुने होंगे भाई ठीक है जब आप लोग हम चैप्टर पढ़ा रहे थे ना तो आप लोग को यहाँ पे फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कहीं भी बताया नहीं गया होगा इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर ठीक है तो अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास

अगला इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं ठीक है, है. तो हम क्या बोलते हैं है. है? है? है. इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखिए सेवन नंबर तो आप लोग बताइए वाइल्ड लूप को हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं तो डू वाइल लूप को क्या बोलेंगे देखिए यहाँ पे आप हाँ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि डू वाइल है डू वाइल लुक को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लुक बोलते हैं क्या बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लुप और वाइल्ड लुक को हम लोग यहाँ पे इंट्री कंट्रोल लुप बोलते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा वर्ड में आप लोग को डिफरेंस है ठीक है क्या वाइल्ड लूप है यहाँ पे डू वाइल्ड लूप है वाइल्ड लूप अगर पूछा तो इंट्री तो मतलब कंट्रोल तो को तो एग्जिट कंट्रोल एग्जिट होगा अगला क्वेश्चन नाइन नंबर की इन एन एरे क्या डिक्लेयर देखिए आप लोग यहाँ पे एरे वाला क्वेश्चन दे रहा है मतलब की आप लोगों को फॉर्मुला क्या लगाना है एम इन टू एन लगाना है क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका राइट right आंसर क्या निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर D, मतलब 25 ठीक है 5 इनटू 5 कितना होगा 25 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कि स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर ये ग्रुप ऑफ़ क्या होगा रिलेटेड डेटा आइटम मतलब कि आप लोगों क्या ऑप्शन नंबर ए रिलेटेड डेटा आइटम इसका राइट right आंसर होगा ठीक है अगला देखिए अगला ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है खाली जगह फंक्शन का यूज हम लोग किसके लिए नहीं करते देखिए रिकर्सन का यूज हम लोग इनलाइन के लिए नहीं करते हैं ठीक है इनलाइन जो है रिकर्सन का यूज नहीं करता है इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनलाइन ठीक है अगला देखिए ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉड इन सी प्लस प्लस क्या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं अगला क्वेश्चन तेरह नंबर तेरह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आर कन्वर्टेड इन मशीन लेवल लैंग्वेज देखिए लेवल नहीं लिखा हुआ है लैंग्वेज लिखा हुआ है ठीक है विच इज हेल्प ऑफ तो मशीन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके हेल्प से जब हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं ठीक है प्रोग्रामिंग बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम लोग बदलते हैं उसको लैंग्वेज को बदला जाता है किसके हेल्प से कंपाइलर के हेल्प से इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्लाइ कंपाइलर ठीक है अगला देखिए यहाँ पे फोर्टी नंबर क्वेश्चन की ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन हाँ कंटेन तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कंटेन करता है वो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों करता है मतलब कि ये डॉट वाला भी करेगा और ये क्या करेगा भागा वाला भी करेगा मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या बोथ हाँ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ठीक है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन कि ये करेक्टर वेरिएबल कैन एट ये टाइम स्टोर तो देखिए कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जो होता है कैरेक्टर एक बाइट का होता है इसका राइट आंसर क्या होगा एक कैरेक्टर वन कैरेक्टर ठीक है अगला क्वेश्चन सोलह नंबर क्या हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फंक्शन डिफाइन इनसाइड इनसाइड इन ये क्लास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंबर फंक्शन इसका राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एविलुएट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन तो देखिए आप लोग को ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से आप लोग को आंसर देखना है ठीक है तो इस ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग सजाते हैं क्या मल्टीप्लाई वाला क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई को देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन को देखते हैं मतलब कि हम लोग उसको भागा को देखेंगे उसके बाद प्लस को देखेंगे उसके बाद माइनस को देखेंगे तो देखिए यहां पे जो दिया हुआ है ना इनमें से देखिए चारों का यूज किया हुआ है मतलब कि मल्टीप्लाई भी किया हुआ है भागा भी दिया हुआ है प्लस भी किया हुआ है माइनस भी किया हुआ है तो सबसे पहले मतलब ऑर्डर

कंस्ट्रक्टर होगा कंस्ट्रक्टर का यहां परिभाषा लिखा हुआ इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है नंबर डिफॉल्ट एक्सेस लेवल असाइन टू मेंबर ऑफ क्लासेस तो इसका राइट right आंसर क्या होगा प्राइवेट होगा जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फोर तो हम ये क्वेश्चन करवाए थे इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट ठीक है अगला क्वेश्चन ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन फंक्शन कैन नॉट यूज हाँ, ओवरलोडेड तो कौन सा फंक्शन ओवरलोड का यूज नहीं करता है तो डिस्ट्रक्टर जो है ओवरलोड नहीं, नहीं लेता है ओवरलोड नहीं लेता है ठीक है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया अगला क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है नंबर क्वेश्चन इन वर्क एट द टाइम ऑफ इसको हम लोग कंपाइल टाइम बोलते हैं जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और हम लोग रन करवाते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ड्राइव क्लासेस तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा प्रोटेक्टेड निकलेगा ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्वेश्चन और आंसर को दोनों को समझ लीजिए रट लीजिए ठीक है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कंडीशनल ऑपरेटर ही तो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं तो आप लोग देखिए जो आप लोग वाट और कॉलन दिख रहा है इसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं ठीक है तो आप लोग को यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे ठीक है हम आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग रट करके याद हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को रट जाइए हमको कोई परवाह नहीं है बट आप लोग को याद हो जाना चाहिए ठीक है क्या बोल रहा है कंडीशनल ऑपरेटर बोल रहा था ना तो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं वाट और कॉलन को ठीक है अगला क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है टर्नरी ऑपरेटर हाउ मेनी दे? ऑपरेटर तो देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जो होता है तीन होता है ठीक है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया अगला क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर कि इनहेरिटेंस ऑफ द क्लास कॉल्ड मतलब कि इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर क्या होगा ऑब्जेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए ठीक है थोड़ा सा हम हाँ ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मोड क्या डिक्लेरेशन यूज्ड सी प्लस प्लस ओपन फायर इनपुट तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये जो आप लोगों को आई ओ और यहाँ पे जो चार बिंदु दिख रहा है इसको ना... इसका नाम क्या है इसका नाम है स्कोप रेजुलेशन ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये जो आप लोग सेम्बोल दिख रहा है क्या ये जो आप लोग बराबर का सेबल दिख रहे हम लोग क्या बोलते हैं असाइन ऑपरेटर बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वाट इज द फॉलोइंग सेंटेंस डी क्लियर तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है क्या क्लास ड्राइव पब्लिक बेस वन पब्लिक बेस टू ठीक है तो यह तो आप लोगों को डायरेक्ट यही पूछ लिया है क्या पूछा है कि कौन सा इनहेरिटेंस है कितना इनहेरिटेंस यहाँ पे बन रहा है सिंगल बन रहा है मल्टीपल बन रहा है ठीक है तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन है ये कीवर्ड कीवर्ड इज तो क्या होता है? हमारा होता है है हमारा रिजर्व जो पहले से कंप्यूटर में डाला हुआ रहता है तो कीवर्ड हमारा क्या है रिजर्व वर्ड है तो देखिए पे रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली जो दिख रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया ठीक है अगला थर्टी नंबर थर्टी वन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ये क्लास एक्स दिया हुआ है जो इनहेरिटेड कर रहा है वाई को क्लास वाई को इनहेरिटेट कर रहा है तो वाई कॉल्ड वाई क्या होगा वो आप लोगों को पूछा हुआ है तो वाई हमारा जो होगा वो सुपर क्लास होगा क्या होगा सुपर क्लास का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपर क्लास ठीक है अगला क्वेश्चन थर्टी टू नंबर क्या बोल रहा है एन इन लाइन फंक्शन देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा? रहा है कि प्री फिक्स विद की वर्ड इन लाइन दूसरा क्लास तीसरा क्या बोल रहा है प्री फिक्स विद इन लाइन ऑन फाइल डिफाइन आउट साइड द क्लास तो आप लोगों जो तीनों दिख रहा है ना तीनों आप लोगों को सही है मतलब कि इसका राइट right आंसर आप लोगों को क्या होगा ऑल ऑफ एव होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए ठीक है अगला क्वेश्चन है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन क्या बोला कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कंस्ट्रक्टर हम लोग क्या होता है कंस्ट्रक्टर जो होता है वो स्पेशल फंक्शन भी होता है और रिटर्न टाइप भी होता है और हमारा क्या होता है ये हमारा सेम नेम भी होता है क्या होता है सेम नेम मतलब कि मिलता जुलता नाम भी होता है तो आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एब होगा ठीक है आप लोग का ऑप्शन क्या है तीनों सही आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको ठीक है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है आप लोग का और इस सेट का भी ठीक है थर्टी फोर नंबर की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ और सपोर्टेड C++। तो C++ में जो मेरी होता है वो कितना होता है दो प्रकार का होता है इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है मेन फंक्शन इज एंड तो मेन को हम लोग क्या बोलते हैं मेन जो है हमारा फंक्शन होता है ठीक है और हमारा वाइड का होता है हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो हम लोग एक साथ लिखते हैं व्हान ठीक है वैड और मेन तो वैड जो होता है वो कीवर्ड होता है क्या होता है कीवर्ड और मेन क्या होता है हमारा फंक्शन होता है आप लोगों को याद होगा हम जब आप लोगों को चैप्टर नंबर वन पढ़ा रहे तो सारा आप लोगों का कोडिंग वहीं पे बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मालूम होगा ठीक है

करने बोलिएगा तो स्लो कर दूंगा अगला वीडियो से और अगर ये अच्छा है तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ सही है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर उसके लिए मैं थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना दोस्त है भाई शेयर कर दीजिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर ठीक है